टेम्पल में गया हुआ था, तो वहाँ हिमाचल के लोग आए थे। उनसे जब मैंने बात करी, उन्होंने बोला कि जी हम पदरी के रास्ते आए, हम पदरी में आए थे, पदरी से हम भद्रू आए। मैंने कहा जी पदरी के रास्ते और हिमाचल के लोग, कहता सर बहुत सारा वो 31 जनवरी जिस जब हमारे एक सेलिब्रिटी सिंगर काका आए, ब्लॉगर्स आ रहे हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया आप जानते हैं कि बहुत जो है ताकतवर एक जगह है, प्लेस है, तो वहाँ से तो बुराई जो है मिल रही है, कैसे? ये बात आपने जिस ब्लॉगर की करी है तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि वो इस साल का वीडियो नहीं था, वो लास्ट ईयर जून महीने का वीडियो था। अब मुझे इस बात का इलम नहीं है कि एक साल के बाद उस वीडियो को क्यों वायरल किया गया। लेकिन उनके पास एक साल के बाद कैसे वीडियो आएगा? किसी ने उनको दिया है क्या? आप जो कह रहे हैं कि अगर पुरानी वीडियो है, हाँ पुरानी है, बिल्कुल है, वो यहाँ रहे हैं एक या दो शाम मेरे ख्याल में यहाँ इस हमारे रिजॉर्ट में रहे, तो मुझे ये समझ नहीं आया कि वो एक साल के बाद उस वीडियो को वायरल किया गया। और वो पहले आए थे, मतलब जो वो व्लॉगर हैं वो इस बार आए थे या पिछली बार वो उनको वीडियो किसी ने दिया पिछली बार का? नहीं नहीं, उनकी अपनी वीडियो है, उसने वहाँ सामने बैठ के वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि देखिए जो बताया गया हमें उसको आउटराइटली रुकने वाली जगह नहीं, आउटराइटली मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ, मैं उसकी निंदा करता हूँ। आपके पास कैमरा है, आप अभी जाइए, मेरा एक एक रूम यहाँ देखिए, हाल देखिए, तो आप भी देखोगे कि कितना गंद पड़ा हुआ है यहाँ पर। क्या आपने लेना है होंडा का नया टू व्हीलर? क्या आपके पास है होंडा का टू व्हीलर? क्या आपको जाना पड़ता था आज तक अपने घर से सर्विस करवाने दूर? पर अब आपके भद्रवाह में है होंडा का सर्विस शोरूम। आपको कहीं दूर नहीं, आपके भद्रवाह के ईदगाह रोड सेरी बाजार में है होंडा का ऑथराइज त्रिदेव ऑटोमोबाइल्स सर्विस सेंटर, आउटलेट रेजेंसी होंडा और शोरूम। आज ही कांटेक्ट करें दिए गए नंबर। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल, मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं TLR न्यूज़। आज हम भद्रवाह आए थे और भद्रवाह जो है बहुत खूबसूरत प्लेस है जम्मू कश्मीर के अंदर, और बहुत सारे मुद्दों के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के यानी कि BDA के CEO हैं बालकृष्ण सर, और इनसे बातचीत करेंगे। काफ़ी लंबे समय के बाद जो है हमारे साथ मिले हैं, रिसेंटली जब जाई में जो है वो प्रोग्राम था तब हम मिले थे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे रहा उस टाइम, उस इवेंट के बाद जो है आज हम मिल रहे हैं, कैसा रहा उस इवेंट के बाद, कितनी सारी चीज़ें बदली? देखो जब हमारा वाइब्रेंट भद्रवाह हुआ, आप हम सभी जानते हैं कि वो एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा, और हालांकि उससे पहले भी काफ़ी टूरिस्ट आते रहे, आपने देखा गुलडंडा हमारा कितना प्रसिद्ध हो चुका था, और उसके बाद और रश बढ़ गया विंटर्स में, जबकि भद्रवाह में बहुत कम लोग आया करते थे और बर्फ़ ने जो है वो ज़्यादा साथ आकर्षित किया लोगों को, और बहुत सारे लोग आए। तो वाइब्रेंट भद्रवाह जो हमारा 5 रोज़ा यहाँ 5 दिवसीय जो मेला रहा, और आखिरी जो उसका दिन था वो 31 जनवरी जिस जब हमारे एक सेलिब्रिटी सिंगर काका आए थे, तो कितना सक्सेस रहा, मुझे लगता 20 से 25 हज़ार के बीच लोग यहाँ तब आए थे। तो उसके बाद मैं आपको ये बात ज़रूर बता दूँ कि जो टूरिस्ट का फ्लो रहा भद्रवाह में वो बहुत ही अच्छा रहा। अभी भी आप इस जगह हम तिलीगढ़ में खड़े हैं, तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पर अभी भी मेरे ख्याल में 200-300 लोग यहाँ होंगे, और आज मैं नालठी की ओर गया था, आगे छत्रगला रोड पे गया था, तो एक फ्लड लाइक टूरिस्ट आज भद्रवाह में है। और ख़ास करके संडे को, ये संडे का दिन था, तो मैं आज यहाँ पर खुद रहा और मैं डिफरेंट साइट्स पे गया, मैं गाठा की बात करूँ, मैं नालठी पार्क की बात करूँ, और फिर मैं आगे गुलडंडा रोड पे गया,
और मेरे ख्याल में 200-300 से गाड़ियाँ 300 तक की टच हुई होंगी हमारी गाड़ियाँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 4,000 से 5,000 लोग डेली का वहाँ जा रहा है, खासकर आज जो संडे और वीकेंड्स जो हैं उसमें तो बहुत अच्छा यहाँ पर जो एक रिस्पांस है टूरिस्ट का बहुत अच्छा, और टूरिस्ट भी हमारा बाहर का है, लोकल नहीं है, जम्मू का भी है और कुछ लोग बाहर के भी हैं, बहुत सारी स्टेट से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, तो आउट ऑफ कंट्रीज भी बहुत सारे आ रहे हैं। हाँ, ये सवाल भी मैं आपसे करूँगा कुछ समय के बाद। देखिए, तो अभी जितना भी टूरिस्ट आ रहा है तो ये हम भद्रवाह के लोगों के लिए एक सौगात है। बिल्कुल, और गर्मी के देखिए अभी ठंडी ठंडी हवाएं जो है चल रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि जम्मू से यहाँ मैं आया तो बहुत ही अच्छा काम किया है मैंने, ये ठंडी हवाएं कहाँ मिलेंगी सर? नेचुरल सी बात है, अभी आज मुझे जम्मू से कॉलें आई कि जी भद्रवाह कैसा है, मैंने कहा जी आपके आने का है, आप आइए। बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे जो भी अपने सर्कल में लोग हैं तो उन सब ने कॉलें की और मैंने उनको आमंत्रित किया हुआ है, और लोग यहाँ पर मतलब बिल्कुल कंटिन्यू में आ रहे हैं। और हमारी ओर से मैं बता दूं कि जहाँ जहाँ भी हमारा बैठने का जो इंतज़ाम है, हमारी बिल्डिंग्स हों, हट्स हों, प्राइवेट होटल्स हों, तो कोशिश है कि हर एक को एक अच्छी सुविधा दी जाए। इसी के बीच में आपसे पूछना भी चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर हमने देखा है कि जब भी गवर्नमेंट के पास या डिपार्टमेंट के पास या अलग अलग अथॉरिटीज़ के पास जब चार्ज रहता है तो वहाँ पर हमने देखा है कि वहाँ पर लापरवाही जो है वो की जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तरफ से, और अगर प्राइवेट को दे दिया जाए, टेंडर दे दिया जाए, तो वो बड़े एक्टिव रहते हैं और पैसे कमाते हैं, इस चीज़ में आप क्या कहेंगे? ये बात आपकी जो है मैं ये बता दूं आपको कि अभी तक जो हमारे यहाँ आउटसोर्सिंग का, आपने आउटसोर्सिंग का क्वेश्चन करा हुआ है, बेसिकली आपका क्वेश्चन जो है वो आउटसोर्सिंग का प्रॉपर्टी का है, तो डेफिनेटली हम उस ओर कदम उठा रहे हैं। हमारी मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो हैं वो आउटसोर्स होने वाली हैं, टेंडर्स हो चुके हैं। देखिए, जो गाठा पार्क है या TRC सारना है या सुंगली है वो ऑलरेडी आउटसोर्स हो गए, नहीं आउटसोर्स का उनके डेट ख़त्म हो चुका था, दोबारा उनके टेंडर हो चुके हैं, और देखिए अनकरीब ही आफ्टर कोड ऑफ कंडक्ट वो सब अलाटमेंट्स हो जाएंगी, और उम्मीद करते हैं कि अच्छे लोगों को प्रॉपर्टी मिलेगी और अच्छे लोग, प्राइवेट लोग आएंगे और सुविधा देंगे, और कोशिश तो ये है हमारी कि अच्छी से अच्छी सुविधा लोगों को मिले। हमारी ओर से भी कोशिश रही है, जैसे आप यहाँ पर तिलीगढ़ में आप आए हो, ये प्रॉपर्टी अभी आउटसोर्स नहीं हुई है, इसका भी हम कोशिश कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो यहाँ पर हम ही तो चला रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ उतना कोई प्रॉब्लम है। नहीं, लेकिन जो व्लॉगर्स आ रहे हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया आप जानते हैं कि बहुत जो है ताकतवर एक जगह है, प्लेस है, तो वहाँ से तो बुराई जो है मिल रही है, कैसे? ये बात आपने जिस ब्लॉगर की करी है तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि वो इस साल का वीडियो नहीं था, वो लास्ट ईयर जून महीने का वीडियो था। अब मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि एक साल के बाद उस वीडियो को क्यों वायरल किया गया। लेकिन उनके पास एक साल के बाद कैसे वीडियो आएगा, किसी ने उनको दिया है क्या? हाँ, आप जो कह रहे हैं कि अगर पुरानी वीडियो है तो। हाँ, पुरानी है, बिल्कुल है, वो यहाँ रहे हैं एक या दो शाम मेरे ख्याल में यहाँ इस हमारे रिजॉर्ट में रहे, तो मुझे ये समझ नहीं आया कि वो एक साल के बाद उस वीडियो को वायरल किया गया। और वो पहले आए थे, मतलब जो वो व्लॉगर हैं वो इस बार आए थे या पिछली बार वो उनको वीडियो किसी ने दिया पिछली बार का? नहीं नहीं, उनकी अपनी वीडियो है, उसने वहाँ सामने बैठ के वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए, जो बताया गया हमें उसको आउटराइटली, रुकने वाली जगह नहीं, आउटराइटली मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ, मैं उसकी निंदा करता हूँ। आपके पास कैमरा है, आप अभी जाइए, मेरा एक एक रूम यहाँ देखिए, हाल देखिए, तो आप भी देखोगे कि कितना गंद पड़ा हुआ है यहाँ पर। दिसंबर के टाइम पर भी आया था मैं, उस टाइम पर भी ठीक लगा था, अभी भी, अभी तो मैंने साफ सफाई ज्यादा देखी। देखिए, अभी साफ सफाई करवा तो नहीं दी हमने, अभी अभी
पाँच छः दिन पहले एक बहुत बड़ा इवेंट वहाँ कर यहाँ करवाया है। यहाँ पर हमने एक कन्वेंशन करवाई है ऑल इंडिया लेवल की, मेडिकल आर्थो आर्थोपेडिक्स के लेवल से एक कन्वेंशन करवाई है, जिसमें जम्मू के डॉक्टर्स की बात नहीं करूँगा, ऑल इंडिया लेवल के, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली की बात तो अलग है, वो तो नज़दीक में है, उन जगहों के लीडिंग डॉक्टर्स यहाँ पर आए और दो दिन का वो कन्वेंशन रहा। और उस लेवल के लोगों ने आकर, अगर यहाँ वैसी चीज़ होती तो मेरे ख्याल में उन्होंने अभी तक पता नहीं कितने ब्लॉग बना दिए होते। मैं ये कहूँ कि ऑल इंडिया लेवल के लोग यहाँ आए हैं, और मैं आपको भी कहता हूँ कि आप जाइए देखिए, एक एक कमरे में वीडियो बनाइए आप और डालिए ज़रा कि ये इतना गंद पड़ा है जी यहाँ पर, तो मैं उस चीज़ की आउटराइटली रिएक्शन करता हूँ, निंदा करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो लोकल लोग हैं यहाँ कर, जो लोकल सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं, वो भी तो बहुत सारी चीज़ें जो है भद्रवाह की दिखाते हैं कि अगर ये ज़्यादा अच्छा हो तो यहाँ पर और ज़्यादा अच्छे से टूरिस्ट आएगा। देखो वो मैं एज ए ऑफिसर, मैं भी यहाँ का बाशिंदा क्या हूँ, कमियाँ भी तो है ना, हिंदुस्तानी शहरी हूँ मैं, उसकी एक शहरी होने के नाते मैं ये कहूँगा कि अगर मैं ये कहूँ कि कोई भी जगह 100% ठीक नहीं होती है, कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा तो होता ही है, लेकिन उस इतनी सी बात को आप इतना बना दोगे तो मुझे नहीं लगता कि हमारे लोकल लोगों को उस तरह से, क्योंकि हमारा भद्रवाह है, हम सब का भद्रवाह है, या हमारा जम्मू कश्मीर है, हम जितना इसको आगे बढ़ाने को चाहते हो कि मतलब अपने घर को या अपने एरिया को जो है उसकी बुराई नहीं करनी। देखो बुराई की बात तब आती है जब आपका ऐसा हो जाए कि अब आपके सामने तो हमारा सेट पड़ा हुआ है, जिस एसेट की आप बात कर रहे हो मुझे बड़ा बुरा लगा है कि ये एसेट जिस लेवल की तनकीद की गई है, तो मैं ये आपको बिल्कुल दावे से अभी भी कहता हूँ कि अभी भी आप कैमरा हर कमरे में लगा दीजिए और डाल दीजिए सोशल मीडिया पे कि ये कितना गंदा है, क्या है, या सफाई है या नहीं। ऐसा तो नहीं होगा जैसे बहुत सारी जगहों पर आज जो है वो लिखा हुआ है कि मीडिया नॉट अलाउड, या यहाँ पर कैमरा लो नहीं है, अब ऐसा जो है बहुत सारी जगहों पर कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है हमें कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है व्लॉगर्स को भी हर जगह पर, तो ऐसा तो नहीं होगा। नहीं ऐसा नहीं, हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं हमारे यहाँ, वो तो कोई हमारी तरफ से आपको कोई लोगों को रोका, मैं आपको किया जितना भी मीडिया है यहाँ पर वो आए और तिलीगढ़ रिजॉर्ट का वो वीडियो बनाए, अंदर बाहर का आए देखें, यहाँ पर मैं आमंत्रित करता हूँ सबको कि आए देखें कि यहाँ कमरे कितने ना साफ हैं। ऐसा मैं दावे से कहता हूँ कि आके देखें और सोशल मीडिया पर इससे नुकसान क्या हो रहा है, जो मतलब बाहर जो इमेज जा रही है भद्रवाह की, जैसे आपने पहले भी हमने वाइब्रेंट भद्रवाह देखा, आपने कहा कि सक्सेसफुल हुआ, बिल्कुल लोगों ने भी यहाँ पर कहा उसके ऊपर, हमने भी कवर किया, और जम्मू के क्या जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग भी यहाँ पर आए और उस टाइम पर भद्रवाह का नाम जो है गूंजा, और उसके बाद यहाँ पर स्नो फेस्टिवल के अंदर, गुल्ली डंडा के अंदर इतनी भीड़ जो आई और उससे कितना फ़ायदा हुआ जो है भद्रवाह को, और ज़्यादा नुकसान क्या हो रहा है अब इन सब चीज़ों से। इससे नुकसान नहीं होगा, जितना हमारा टूरिस्ट यहाँ आ रहा है उससे फायदा ही होगा। मतलब और ये नेगेटिविटी फैल, हाँ नेगेटिविटी देखिए ये डिपेंड करता है हमारे अपनी एक इंटरनल कॉन्शियस पे, हमारी इंटरनल कॉन्शियस पे डिपेंड करता है कि अगर हमारा यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा, हमारा टूरिस्ट बाहर से आएगा, तो ये खाली BDA को फ़ायदा नहीं होगा, ये खाली किसी पर्टिकुलर सिंगल इंडिविजुअल को फ़ायदा नहीं होगा, हमारा टूरिज्म जो है टूरिज्म कहीं ना कहीं लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ है, इकानमी से जुड़ा हुआ है, सैर व सियाहत के साथ साथ इकानमी से जुड़ा हुआ, रोज़गार से जुड़ा हुआ है, हमारे नौजवान के लिए ये जुड़ा हुआ है। अभी आप देख रहे हो कि डिफरेंट जगहों पे लोगों ने स्टॉल्स लगाए हैं, हमारा कितना नौजवान वहाँ से दो पैसे कमा रहा है। भद्रवाह अभी जो हमने भद्रवाह के अंदर गाठा लेक है वहाँ पर भी जो है, हाँ वहाँ तो हमारे अपने हमारे सेट्स हैं, वो प्राइवेटाइज्ड हैं, तो वहाँ भी है लगा हुआ, या मैं आपको गुलडंडा की बात करूँ, वहाँ लोग प्राइवेट लोगों ने चलाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारा नौजवान बेरोजगार जो है वो रिसेंटली हमने एक लाइवलीहुड कमा रहा है। बिल्कुल आपको आने वाला टाइम जो है, देखिए जाई में जो है हॉर्स राइडिंग होगी, पदरी में हॉर्स राइडिंग होगी, बहुत सारी छोटी मोटी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होंगी आने वाले टाइम में, तो
कहीं ना प्लान है, अभी बड़ा क्या प्लान है, जैसे वाइब्रेंट भद्रवाह हुआ था, भद्रवाह के अंदर अभी के टाइम पर समर वेकेशंस होंगी, बहुत सारे लोग जो है छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, तो क्या प्लानिंग है? देखिए, हमारी ओर से हर समय कोशिश रहेगी कि हम भद्रवाह के टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए कोई भी कसर बाकी ना रखें, जितना हो सके हमसे, क्योंकि आप भी यहाँ के लोकल हैं, टाइम मिले, जब भी हमें ऐसा कोई समय मिले कि हमें ये फेस्टिवल करना है, ये इवेंट करना है, ये ओकेजन को सेलिब्रेट करना है, तो मुझे नहीं लगता हम पीछे हटेंगे, ऐसी बात नहीं है। आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हर तरह के इवेंट्स हों, हर तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ हों, ट्रैकिंग्स हों, बाहर से लोगों को लाया जाए, बाहर की जितने भी ग्रुप्स हैं, डिफरेंट ट्रैकिंग ग्रुप्स जो हैं, एडवेंचर के ग्रुप्स हों, तो वो आएँ। जैसे हमारे वाटर राफ्टिंग हो रही है चनाब में, शिवनौत में, उस तरह से ट्रैकिंग बहुत सारी अभी हो भी रही है और भी करेंगे, ठीक है। तो हर तरह से ट्रायल बेसिस पे, हमने जाई में एक जिप लाइन खोल दिया हुआ, ट्रायल बेसिस पे है वो, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ सोची हुई हैं, तो आगे और करेंगे भी, कोशिश रहेगी कि किसी ना किसी तरीके से भद्रवाह के टूरिज्म को आगे बढ़ाना। अभी मैंने एक जो है इंटरव्यू देखा था TLR न्यूज़ के ऊपर ही, हमारे एक साथी गए थे वहाँ पर कवर करने, तो हिमाचल जो है पूरे लोग हिमाचल जाते हैं, लेकिन हिमाचल के लोग जो है पदरी आ रहे हैं, मतलब हमारे एरिया में आ रहे हैं, तो बड़ी खुशी हुई मुझे उस समय। बहुत सारे ये मैंने भी सुना किसी से, इनफैक्ट हिमाचल में, हिमाचल के लोग, हिमाचल से मेरी बात हुई थी किसी आदमी से, वहाँ किसी एक फ्रेंड से बात हुई, तो नहीं आज ही मेरी बात हुई, मैं गुप्तगंगा टेंपल में गया हुआ था, तो वहाँ हिमाचल के लोग आए थे, उनसे जब मैंने बात करी, उन्होंने बोला कि जी हम पदरी के रास्ते आए, हम पदरी में आए थे, पदरी से हम भद्रवाह आए। मैंने कहा जी पदरी के रास्ते और हिमाचल के लोग, कहता सर बहुत सारे लोग आ रहे हैं। उन्होंने इस बात की पुष्टि की और ये आपने सच बोला, क्योंकि आज ही मेरी मुलाकात जो है यहाँ पे गुप्तगंगा में दो चार हिमालय रोड जो कनेक्टिविटी हुई उसकी वजह से फ़ायदा हो रहा है। हाँ, नेचुरल सी बात है, देखिए इसमें हमारी डिस्ट्रिब्यूशन DC साहब बड़े एक्टिव रहे हैं और वो टूरिज्म की ओर उनका काफ़ी अच्छा रुझान है, काफ़ी दिलचस्पी है। उन्होंने बहुत ही जल्दी छत्रगला रोड खोला है और बहुत ही जल्दी पदरी रोड खोला है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे टूरिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, और जितना जल्दी रोड खोला उतना जल्दी टूरिस्ट का बढ़ावा होता गया। जम्मू से लोग हम देख रहे हैं, अभी छुट्टियां जो है पड़ने वाली हैं, क्योंकि कुछ समय के बाद छुट्टियां पड़ेंगी, तो बच्चों या फैमिली जो है वो प्लान कर रहे हैं कि कहीं हमने जो है छुट्टियां मनाने जाना, तो आप क्या कहेंगे उन लोगों से? देखिए आप देख रहे हो कि भद्रवाह, अभी जम्मू जो है 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर में जूझ रहा है, और हम यहाँ पर ठंड, मुझे तो ठंड थोड़ी थोड़ी लग रही है अभी, तो मैं कहूँगा कि जब भी वो लोग प्लान करें तो ज़रूर भद्रवाह आएँ और भद्रवाह में वो एंजॉय करें यहाँ के इस खूबसूरत एनवायरनमेंट को, इस चार्मिंग वेदर को। तो हमारी ओर से कोशिश होगी कि हम उनको एक अच्छी सुविधा दें, जहाँ जहाँ हमारी प्रॉपर्टीज हैं, और मैं लोकल अपने जो होटलियर्स हैं, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे बात होती रहती है, उनको भी अपना डेली शाम को दूसरे तीसरे दिन बात होती रहती है, उनसे मैं बताता हूँ अक्सर कि जब भी आप किसी टूरिस्ट से, बाहर से किसी विजिटर से डीलिंग करो, तो खुदारा उनको साफ शफाफ हाइजीन का ध्यान रखा जाए, अपने रेट्स का ध्यान रखा जाए, क्योंकि अब हमारा पीक का सीज़न आने वाला है। और अभी भी मैं यही अपील करूंगा कि जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, ख्वा वो होटलियर्स हों, ख्वा वो टैक्सी ड्राइवर्स हों, ऑपरेटर्स हों, या आम दुकानदार हों, या हमारे रेहड़ी वाला हों, या हमारे घोड़े वाले हों, जितने भी लोग हैं, तो मुझे लगता है कि इस टाइम का फ़ायदा उठाते हुए अपने टूरिस्ट को ऐसे वो लुभाएं, इस तरह से उनको पेश आएँ कि हमारा टूरिस्ट इधर से जाते उधर से 10 लोगों को और भेजें। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है, वो फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, नूरी मूवी जब यहाँ पर बनी, एक बड़ा प्लेटफॉर्म था, उसके बाद उस टाइम दिक्कतें क्या रही वो सब जानते हैं, लेकिन अभी के टाइम पर क्या दिक्कत है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं भद्रवाह में कोई आ रहा, क्योंकि बाकी वेब सीरीज़ वगैरह तो आ रही हैं, वो हमने देखा भी है, लेकिन कोई बड़ा जो है फिल्म इंडस्ट्री से, जैसे बॉलीवुड अभी शूटिंग जो है वो हो रही है Singham 3 की कश्मीर के अंदर, तो यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा एडवेंचर या बड़ा प्लेटफॉर्म जो है लोगों के लिए? देखिए ज़रूर होगा, वो भी ये मैं दावे से कहता हूँ
कि अब भदोही हमारा ऑल टाइम डेस्टिनेशन बन चुका है। और कुछ टाइम पहले हमारे पास एक प्रपोजल आया भी था एक बहुत बड़े शूट का, अब मुझे नाम तो याद नहीं है। तो अभी भी हम हमारे साथ इन टच हैं लोग, तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ शूट नहीं हुआ, ज़रूर होगा और ज़रूर होगा। हम इस और काम कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि आने वाले टाइम में यहाँ पर अच्छे लेवल की शूट। वो भदोही के बारे में आप सोच रहे हो? देखो जी, ये बता दूँ मैं आपको, ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है यहाँ भदोही फोर्ट और तिलीगढ़। अब वो टाइम दूर नहीं है कि जब हमारा भदोही जो है ना वो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी माना जाएगा और आने वाले टाइम में भदोही को डेस्टिनेशन वेडिंग के तौर पर यूज़ करने के लिए हम सोच रहे हैं। देखिए, हमारा तिलीगढ़ रिज़ॉर्ट है और साथ में भदोही फोर्ट है, तो ज़रूर आने वाले टाइम में हम यहाँ देखेंगे कि बाहर के लोग यहाँ पर आकर शादियाँ मनाएंगे, वो भी चाहेंगे करेंगे कि शादी जो है हमारी भदोही में हुई, भदोही में। हाँ, डेस्टिनेशन वेडिंग जिनको कहा जाता है उसके लिए हम काम कर रहे हैं और डेफिनेटली आने वाले टाइम में ऐसा होगा। जो पहाड़ों को जो है मिस करते हैं, पहाड़ों से प्यार करते हैं, तो वो यहाँ पर शादी करेंगे तो एक मेमोरेबल जो है उनके लिए होगा। ये एक पहाड़ आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ बड़ा फेमस है, सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये भदोही की पहचान है। और इसके ऊपर बर्फ़ जो है अभी भी है, जहाँ पर लोग 40-50 तक डिग्री में रह रहे हैं, यहाँ पर इस पहाड़ के ऊपर बर्फ़ देखकर जो है दिल को ठंडक मिलती है। और ये हवाएं जो ठंडी यहाँ पर आ रही हैं, जिसे ठंड भी लग रही है अभी, अगर यहाँ पर एक दो घंटे के बाद आप यहीं पर रहेंगे तो आपको जैकेट भी लगाना पड़ सकता है, ऐसी यहाँ पर हवाएं जो है ठंडी ठंडी हैं। तो ये सारी की सारी मज़े लेने के लिए, इंजॉय करने के लिए, मेमोरेबल ट्रिप बनाने के लिए आप भदोही आइए, क्योंकि हम भदोही से हैं। और मुझे लगता है सभी भदोहीयों को भदोही को प्रमोट करना चाहिए, और यहाँ के बाहर के लोग तो कर ही रहे हैं। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जो दिखाओगे वो जो है जाता है आगे, तो इसलिए आप अच्छा ही भदोही को दिखाइए। जहाँ पर गलतियाँ हैं वहाँ पर आप जो है कोसिए भी, आपका हक है, डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा भदोही को प्रमोट करिए। दीजिए सुरिंदर परिहार को इजाज़त, और आप देखते रहे TLR News। जय हिंद।